हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ना अबे जल्दी बोल। मैं शायद काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, जिसकी वजह से मैं शूट करना छोड़ दिया था। तो अब मैं वापस से रूटीन में आ गया हूँ। अभी जो है मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था अपनी, जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड करवाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सारा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है उसके लिए। थोड़ी सी मुझे पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, क्योंकि मैं वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है स्क्रिप्टेड चीज़ों में, इसलिए मुझे स्क्रिप्ट लिख के पहले समझनी ही पड़ती है, फिर अपने अल्फाजों में मैं उसमें बता देता हूँ। क्या बात है। तक मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट करता हूँ, तब तक आप लोग ये स्टोरी देखें। अच्छा, मैं अपनी ज़मीन पर गया था कुछ दिनों पहले, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। अब जो है मैं अपनी जमीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारी जो है ये मेरी जमीन है। अरे दादा रे। और ये भी है, यहाँ पे जो है मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा, एक महल खड़ा कर देंगे इतना बड़ा, अपनी शक्ल वेकल। और यहाँ पे एक स्टूडियो बनाएंगे, और यहाँ पे जो है मैं रहूंगा, और यहाँ पे जो है मैं अपने पड़ोसियों को रहने दूंगा। इवन आप सामने भी देख सकते हैं, नहीं काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। और अब यहाँ पे ये है कि मैं अपनी जमीन जो है वो देखने आया हुआ था यहाँ पे। मैंने कहा क्यों ना अपनी जमीन देखी जाए और आपको भी दिखाई जाए। ये है दरवाजा, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। No! यहाँ पे अंदर जाके ये जो है ये मेरा अपना रूम होगा, तो मैं अभी यहाँ से अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये भी मेरी सारी की सारी मेरी जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो है मैं एक थंबनेल शूट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि हम चले जाएं और थंबनेल शूट ना कर पाऊँ मैं। बात तो सही है। थंबनेल जो है मैं यूं शूट कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये ना हो हम लोग बाद में यहाँ से चले जाएं और मैं थंबनेल ना शूट कर पाऊँ। Eventually एक मिनट जब बाल बुल सेट करके ना फिर थंबनेल शूट करते हैं। तो अब थंबनेल शूट कर लेता हूँ। तो आपने देखा मैंने थंबनेल शूट कर लिया, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो सच बोल दे, मजाक करो, मेरे पास जो जमीन है वो बस यही है, एक ही है, और एक ही जमीन जो है वो हमारे पास है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? गुस्से में है। यहूदियों की साजिश चल रही है यहाँ पे, गैर मुल्की कुव्वत का हाथ है इसमें। स्क्रिप्ट जो थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे जाके सोना है और फिर उठ के आपसे सुबह मिलते हैं। बूम बूम। हेलो गाइस, मैं जो है वो उठ चुका हूँ, आधे से ज़्यादा दिन तो गुजर चुका हूँ। हम क्या करें, सुबह मैं काफ़ी देर पहले उठा था, लेकिन मैं व्लॉग अब शुरू कर रहा हूँ। कॉलेज जाना है, रात को क्लास रिकॉर्ड करनी चाहिए। जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है वो स्क्रिप्ट पूरी करनी है, तो पहले मैं कॉलेज जाऊँ, फिर वहाँ से आके मिलते हैं। और कॉलेज नहीं, अकेडमी जाना है। कॉलेज तो मैं सुबह टाइम जाता था, अभी नहीं जा रहा आजकल, मेरा पुत्र छुट्टी का, तो एकेडमी जाना है मुझे, फिर वहाँ से। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद जो हो, तो गाइस अब मैंने जो है, तो गाइस अब जो ओ खुदा, मैं काफ़ी टाइम बाद पढ़ के आ चुका हुआ हूँ अपनी एकेडमी से, और मैं डायरेक्ट इसके घर आया हूँ, क्योंकि वो जो मैंने स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करनी थी रात को, जैसा कि मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी थी, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग जो है मुझे अब करनी है। मैं यहाँ बैठ के वो रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने कायदा ख़रीद लिया है, यानी अब मैं फ़ोन यूज़ नहीं किया करूँगा, नीचे कायदा रख के पढ़ाया करूँगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी वर्ड टू वर्ड जो है मैं आप लोगों तक पहुँच सकूँ। तो बस अब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे, मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट व्लॉग में। ये काफ़ी देर बाद आया था, क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गया था। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह भाई। आप लोगों ने जो है देखे होंगे, ब्लॉगर जो गाड़ी चलाते हुए ब्लॉग करते हैं, मैं बाइक चलाते हुए ब्लॉग कर, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। तो सोचा ही नहीं था बाइक चलाते हुए भी ब्लॉगिंग हो सकती है।